जसपुर जिले के सलना थाना क्षेत्र स्थित ग्राम खोटागार में अंधविश्वास के चक्कर में एक बार फिर महिला को जान गंवानी पड़ी। बहू ने टोहनी के संदेह में अपने वृद्धा सास की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और खुद आत्मसमर्पण कर दिया। कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने जाली नोट खपाने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 50,000 रुपए असली नोट लेकर तंत्र मंत्र और पूजा पाठ कर 2 करोड़ बनाने का झांसा देकर नकली नोट थमाता था। प्रार्थी जोगेंद्र नेताम की शिकायत पर आरोपी दूजाराम बांधे को पुलिस ने पूर्व में भी गिरफ्तार किया था। बेमेतरा जिले के ग्राम पीड़दा में अवैध तरीके से बारूद फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की टीम ने जांच में अनियमितता पाए जाने पर बारूद फैक्ट्री को सील कर दिया है। रायपुर की खमतरी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर व्यास तालाब बीरगांव खमतरी के पास पिट्ठू बैग में गांजा रखकर उसे बेचने की फिराक में घूम रहे उड़ीसा निवासी भीम नायक नामक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से 2,50,000 रुपए कीमत का 25 किलो गांजा जब्त किया है। गरियाबंद जिले में खेत की जुताई कर रहा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक नीचे दब गया। दरअसल यह घटना जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धवलपुर की है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में दबा युवक 11वीं का छात्र है। इसको निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर एवं रायगढ़ के जारी निर्देश पर घरघोड़ा नगर पालिका अधिकारी सुमित मेहता व नगर पंचायत की टीम ने घरघोड़ा के विभिन्न व्यापारिक प्रस्थानों में छापा मारकर 1,00,000 रुपए से अधिक मूल्यों की प्लास्टिक डिस्पोजल को जब्त किया है। सरगुजा जिले के बतौली स्थित शासकीय शराब दुकान के कर्मचारी द्वारा ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब बिक्री करने का पर्दाफाश आबकारी विभाग की टीम ने किया है। किराए के मकान में रहने वाले 2 कर्मचारियों द्वारा घर में ही ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में मिलावटी शराब तैयार कर शासकीय दुकान से बेची जा रही थी। कोरबा जिले के ग्राम छुरी के पास बीती रात सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे मार्ग में वाहनों की कतार लग गई। जानकारी मिलने पर कटघोरा SDM घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझाई देते हुए सहायता राशि प्रदान की। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र में करतला में मासूम पोता पोती समेत दादी का शव तालाब में संदिग्ध अवस्था में मिला है। यह अचानक हुई दुर्घटना है या फिर मामला कुछ और, इसका अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ जिले की डोंगरीपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिरनीपाली बैरियर के पास दबिश देकर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 किलो गांजा बरामद किया गया। राजनांदगांव जिले में मनकी में तेज रफ्तार वाहन ने हाईवे पर बैठे गौवंशों को रौंद दिया। हादसे में 6 गायों की मौत हो गई, वहीं करीब 4 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जानकारी मिलते ही शहर के गौ सेवा के युवाओं की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल मवेशियों का इलाज करवाया। बालोद जिले के दलित राजरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेश कुमार साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बेमेतरा पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में 23 साल से फरार वारंटी आरोपी संतराम उर्फ टेंगाली को गिरफ्तार किया है। जिले में वारंटी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें काफी सफलता मिल रही है। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से लगभग 19 क्विंटल कबाड़ जब्त कर ट्रक चालक आरोपी को हिरासत में लिया है। जब्त कबाड़ की कीमत 8,00,000 रुपए बताई जा रही है।
जांजगीर जिले की जैजपुर थाना पुलिस ने झारखंड निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 लाख मोबाइल जब्त किया है, जिसकी कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी जैजपुर के साप्ताहिक बाजार के दौरान मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने के फिराक में थे। दुर्ग जिले की मोहनगर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गांजा तस्कर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजे के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जसपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के गजियाडी मुख्य चौक पर तेज रफ्तार हाईवा ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार को कुचलते हुए घर के बाहर दीवार में जा घुसी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। महासमुंद जिले की सरायपाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे बाइक सवार तीन आरोपी राकेश सोनी, राम किशोर व प्रेमलाल कश्यप को पकड़कर उनके पास से 5 किलोग्राम गांजा, बाइक, 2 कीपैड मोबाइल एवं 1 नग एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया है। नकद रकम समेत कुल जुमला 1,49,430 रुपए का माल जब्त किया गया। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेल्ठी पठार में आरोपी घनश्याम मिरी के कब्जे से एक प्लास्टिक थैले में सफेद कलर के 4 झिल्ली, सभी में 5 लीटर देसी हाथ भट्टी महुआ शराब सहित कुल 20 लीटर शराब, कुल कीमत लगभग 4,000 रुपए जब्त की है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर नारायण नायक उर्फ राहुल नायक को पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, जिनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे बाइक सवार 2 तस्कर अभिषेक सिंह, शुभम पाल को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए कीमत का 20 किलो गांजा, बाइक, 2 मोबाइल और नगद रकम जब्त की है। महासमुंद जिले की साकरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही I-20 कार को वाहन चेकिंग के दौरान रोककर जांच कर कार से 1,80,000 रुपए कीमत का गांजा और कार को जब्त कर 4 आरोपी राजेश पटेल, रितेश साहू, वेदराम व शेख मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले की बसना थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भटोरी चौक के पास NH-53 रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 युवकों रामकिशोर के साथ 2 अन्य युवकों को पकड़कर उनके पास से गांजा व बाइक जब्त किया गया है। बिलासपुर के सिरगट्टी थाना क्षेत्र के 2 युवक बाइक चोरी कर उसके पार्ट्स 11 संचालकों को बेचने के लिए पहुंचे थे, जिसकी जानकारी होने पर सिविल लाइन पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद युवकों के कब्जे से 4 बाइक के पार्ट्स जब्त किए गए हैं।